हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो वैसे मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि द मॉर्निंग इज़ रियली नॉट वेरी गुड, क्योंकि कल रात हमारे सोसाइटी में आग लग गई थी एंड इट वॉज़ रियली क्वाइट अ क्रिटिकल सिचुएशन। ये दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट नवी मुंबई सानपाड़ा। वी स्टे राइट ऑन पाम बीच रोड और वहाँ पे कल बहुत ही बुरी तरह से 9th फ्लोर पे, हमारा टावर इज़ ऑफ 26 स्टोरीज और 9th फ्लोर पे जो सर्वेंट क्वार्टर है वहाँ पे आग लग गई। एंड थैंकफुली और शुड आई से माई गुड लक दैट आई वॉज नॉट होम, वी वर ऑल आउट। तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई नेबर एंड आई वॉज टोल्ड कि ऐसे आग लग गई है। तो हम लोग इमीडिएटली जब मतलब जब तक हम पहुँचे वहाँ पे तो तब तक फायर ब्रिगेड आ चुके थे। एंड बट देर आर फ्यू थिंग्स जो कल जब ये सब हुआ मुझे समझ आया कि इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट हम लोग जो कहीं पे भी गाड़ी रैंडम पार्क कर देते। देखो अभी जो इमरजेंसी गेट है हमारी सोसाइटी का, इट वॉज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बिकॉज लोगों ने ऐसे ही गाड़ी रख के चले गए। अभी कौन किधर है क्या है, नो वन न्यू। दैट टुक लॉट ऑफ टाइम, सो द फायर वॉज स्प्रेडिंग एंड इट इज़ नॉट राइट। इट इज़ जस्ट हम लोगों की गलती के वजह से द फायर वॉज स्प्रेडिंग, नंबर वन। नंबर टू, देर वॉज नो फायर एक्सटिंग्विशर एनीवेयर अराउंड द सोसाइटी विच वॉज वेरी रॉन्ग अगेन। देर वर नो सैंड पिट्स, इमीडिएटली जो कवर करेंगे कैसे कवर करेंगे, आई मीन बेसिक जो आग बुझाने का के लिए जो भी चाहिए कुछ भी नहीं था। सो इट्स स्प्रेड एंड इट्स स्प्रेड टिल 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th तक आग चली गई एंड इट वॉज अ वेरी बैड सिचुएशन। मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया है आज। अभी देखो रात को इट ऑल हैपेंड एट अराउंड 9:15 एंड इट वेंट ऑन टिल 1, द रेस्क्यू मोड वॉज ऑन। जो लोग अंदर थे, द फैमिलीज हु वर देयर इनसाइड, वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। पूरा इट वॉज फिल्ड विथ स्मोक, पीपल वर अनेबल टू ब्रीद, पावर तो ऑब्वियसली दे हैड टू बी कट, तो पावर नहीं था एंड इट वॉज आई मीन इन पीपल हु विल गो थ्रू इट, बहुत ही ज़्यादा स्केरी है, यू नो वो दिमाग में एक बैठ जाता है। इसके बाद टू स्टे एंड एवरी डे फंक्शनिंग, गेटिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा या इट विल टेक टाइम टू गेट बैक टू द रेगुलर रूटीन। और थैंकफुली जैसे मैंने बोला कि हम लोग बाहर थे तो हमने वहीं पे हम लोगों ने वेट किया टिल ऑलमोस्ट रात को 1 बजे तक हमने वेट किया टू सी अंडरस्टैंड वॉट इज़ वॉट एट दैट प्लेस। बट देन अल्टीमेटली जब हमने रियलाइज़ किया दैट कुछ होने वाला तो है नहीं, तो थैंकफुली यहाँ पे देर इज़ ओनली वन पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी दैट इज़ ताज। तो हमने ताज में इमिडिएटली बुक किया आके, वी स्टेड द नाइट। अभी इधर का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, दैट इज़ अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। यू नो व्हेन बोलते हैं ना जब मिसफॉर्च्यून आते हैं तो इट कम्स इन बैटेलियन, तो वैसा ही कुछ हालत हो गया था। तो जो भी है हम इधर आ गए थे बट आज सुबह वी वेंट बैक टू अंडरस्टैंड कि क्या है सिचुएशन। सिचुएशन बहुत ही ग्रेव है। अभी 2-3 दिन तक ना लिफ्ट चलेगी, ना पार आएगा, ना पानी, कुछ भी नहीं, क्योंकि द पूरा जो डक्ट है पूरा जल गया है, द केबल का जो लाइन्स है सब जल गया। इट इज़ इन रियल रियल बैड स्टेट, इट वॉज क्वाइट अ सीरियस थिंग, तो अ मेजर लॉस फॉर एवरीवन। तो जो भी है मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जो हुआ था वो दिखाती हूँ, बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ यू नो वो सब कुछ हो जाने के बाद ये सब बोल के कि ये करना चाहिए था वो करना चाहिए था, नहीं, ये जो जहाँ पे फायर ब्रिगेड जहाँ से आएंगे वो ही गेट वॉज कवर, इट वॉज लॉक। गाड़ी गाड़ी गाड़ी, यार ऐसे नहीं होता है, यू नो वी आर प्लेइंग विथ सो मेनी लाइव्स, इट इज़ रॉन्ग। तो इसीलिए आई फील दैट यू नो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू मेंटेन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक बारी हो जाए तो देन बोल के फ़ायदा नहीं होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ द लॉस दैट वी ऑल हैड टू गो थ्रू, बट या सो एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट नॉट इन द स्टेट। मैं रात को पूरी रात सो नहीं पाई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, स्ट्रेस हो रहा था, आई गेट वर्कड अप, तो आई कुडंट स्लीप, आई डू नॉट नो व्हाट वॉज द सिचुएशन आउट देयर। बट सुबह जाके जब देख के आई हूँ तो ख़राब तो बहुत ही लग रहा है, क्योंकि
घर पे नहीं रह सकते, अगेन वी हैव टू स्टे बैक. सो सी दिस इज अगेन अनदर अननेसेसरी अनवांटेड एक्सपेंडिचर दैट वी हैव टू गो थ्रू, बट देन वी हैव नो चॉइस. तो दिस इज व्हाट इट इज. आई थॉट आई विल जस्ट पुट अप एन अपडेट रिगार्डिंग द प्रेजेंट सिचुएशन दैट इज हैपनिंग एट सानपारा थारवानी हाइट्स. Filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I feel. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. फिलहाल कर नहीं सकते कुछ. अभी बोल रहे हैं कि दो तीन दिन तक there will be no power, there will be no light, there will be no water. तो इंसान जाए किधर जाए, कहाँ जाके हम रहे. And yes, it was very nice of the society कि आज सुबह उन लोगों ने breakfast arrange किया था सब लोगों के लिए. Very thoughtful, very nice. But जो हो गया वो तो हो गया. और आप लोग बोलोगे कि मैं क्यों आप लोगों के साथ शेयर. सी मैंने बहुत सोचा कि मैं एक बार सोचा कि मैं नहीं करूँगी शेयर, बट देन आई थॉट ऑन सेकेंड थॉट मुझे लगा नहीं मुझे शेयर करना चाहिए. क्योंकि कल अगर आप लोगों के उधर कहीं पे किसी के साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ रिमेंबर दीज फ्यू थिंग्स दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पे भी गाड़ी पार्क मत कीजिए. जहाँ पे भी आपका जो गेट होता है द इमरजेंसी जो गेट होता है दैट नीड्स टू बी केप्ट एम्प्टी. कल क्या हो रहा था, सब लोग फ़ोन करके सब लोगों को पूछ रहे, टेक्स्ट कर रहे कि किसका गाड़ी है किसका गाड़ी है. वो टाइम पे दैट इज़ नॉट द टाइम फॉर ये सब चीज़ें. जब फायर ब्रिगेड आ रही है द वे शुड बी कम्प्लीटली खाली. लोग उधर खड़े होके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे ये सब, दैट इज़ नॉट द टाइम. फिर very important that you all should have a fire extinguisher on every floor. Multi-storied building ho, chotu building ho, fire extinguisher on every floor is very important. Sand pit is very important. These are the basics jo har jagah pe hona chahiye. Aur aag lagte hi immediately sab kuch band kar do. Electricity ka jo bhi lines hai sab kuch band karo. Very very important. So on that note I will say tata bye bye, take care. Aur हाँ अभी पता नहीं हम लोग क्या करने वाले दो तीन दिन. वी हैव एक्चुअली हम लोग एकदम वो यू नो वैगाबॉन्ड बन गए हैं. ऐसे ही आके अभी फ़िलहाल तो रुके हैं. ये देखो हमारा हाल ये है, रूम का हाल. एंड ये देखो स्पाइडी ऐसे इधर बैठा है. तो चलिए बाय बाय, सी यू एंड आई विल सी यू ऑन मंडे दैट इज़ कल. होपफुली आई विल कम विथ माई गोवा व्लॉग. इसे चल रहा था सो दिस इज़ एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सो सी या.
ओके, तो बिफोर आई कंक्लूड मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग द सोसाइटी वॉज एक्सट्रीमली, मतलब सब लोग इतनी अच्छी तरह से दे कोऑपरेटेड, दे वर्कड, हमारा मैनेजिंग कमिटी वॉज एक्सेलेंट, पार एक्सेलेंस आई वुड से. आर सिक्योरिटी मिस्टर शर्मा, ही वॉज एक्सट्रीमली अलर्ट टू टेक अप द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, कॉलिंग द फायर ब्रिगेड, स्विचिंग ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन. तो बहुत बहुत आई वुड एक्चुअली लाइक टू थैंक एवरी वन फ्रॉम थारवानी हाइट्स फॉर ऑल दैट दे हैव डन टू सेव ऑल ऑफ अस. थैंक यू थारवानी हाइट्स, द मैनेजिंग कमिटी एंड मिस्टर शर्मा फॉर एवरीथिंग. थैंक यू एंड होपफुली वी विल ऑल बी बैक टू आर फ्लैट्स वेरी सून एंड लिव अ रेगुलर नॉर्मल लाइफ जो हम लोग लीड कर रहे थे अब तक.